के कोतवाली रॉबर्ट्सगंज पुलिस की टीम द्वारा पति की गला रेत कर हत्या करने वाले आरोपी पत्नी एवं चचेरे भाई को गिरफ्तार किया गया है। बीती रात्रि ब्रजेश देव पांडे पुत्र दीपू निवासी उत्तर मोहाल कस्बा रॉबर्ट्सगंज थाना रॉबर्ट्सगंज उम्र लगभग 40 वर्ष की उनके ही घर में गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। घटना में संलिप्त अभियुक्त विकास देव पांडे पुत्र अनिल देव पांडे निवासी बुढ़हर कला थाना रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र आराधना पांडे पत्नी स्वर्गीय ब्रजेश देव पांडे निवासी बुढ़हर कला थाना रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र को मुखबिर की सूचना पर बिच्छी गांव के सामने नेशनल हाईवे के पास गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई तो अपना जुर्म स्वीकार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू एवं घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्त विकास देव पांडे द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसका अपनी चचेरी भाभी आराधना पांडे से लगभग 2 साल से प्रेम संबंध था, जिसका शक ब्रजेश देव पांडे को गया था, जिसको लेकर उसकी प्रेमिका आराधना पांडे को उसका पति काफी मारता पीटता था, जिसे परेशान होकर हत्या की साजिश रची और प्लान के तहत मौत के घाट उतार दिया है। मास्टर, ये किस तरह की घटना थी और क्या इसमें खुलासा हुआ? देखिए, जनपद सोनभद्र में थाना रॉबर्ट्सगंज के अंतर्गत 2 दिन पहले ब्रजेश देव पांडे नाम के 40 वर्षीय आदमी की गले पर चाकू से हमला करके हत्या कर दी गई थी उन्हीं के घर में। इसी की सूचना पर पुलिस के द्वारा 302 FIR का मुकदमा पंजीकृत किया गया। FIR 302 धारा किसी के अंतर्गत दर्ज किया गया अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। इसी में हम लोगों की टीम लगी थी, एडिशनल SP CO साहब और थाना अध्यक्ष और SOG सविलास सभी टीमों ने लगती इसका आज खुलासा किया है। इसमें अभियुक्त है एक जो मृतक का चचेरा भाई है विकास, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगभग 24-25 साल की आयु है और जो मृतक है उसकी पत्नी आराधना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आराधना का अपने देवर के साथ, चचेरे देवर के साथ में 2 साल से बता रहे हैं संबंध था। इस बात की जब भनक पति को लगी तो इनमें आपस में विवाद रहने लगा। जिस दिन घटना हुई है उस दिन इसी विवाद में जो विकास है, जो इसकी मृतक की पत्नी का जो देवर है, प्रेमी भी है, उसने आके इसके साथ मिलके चाकू से हमला करके गर्दन पर 4-5 वार करके उसकी हत्या कर दी। इसी मामले का खुलासा हुआ है, दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और जो आला कतल चाकू है उसको भी पुलिस ने बरामद कर दिया है। टीम को सर कुछ इनाम भी दिया जा रहा है? हाँ, चूंकि 2 ही दिन में घटना का अनावरण पुलिस ने किया, बहुत अच्छा काम था।